हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में फाइन ट्रिक्स 250 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। फाइन ट्रिक्स 250 mg टैबलेट का मुख्य उपयोग फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। माइक्रोलैब लिमिटेड कंपनी की ये 60 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 120 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। फाइन ट्रिक्स 250 mg टैबलेट में टर्बिनाफाइन 250 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद टर्बिनाफाइन यह ड्रग एंटी फंगल के क्लास में आता है। यह बॉडी में मौजूद फंगस को ख़त्म करता है और उन्हें दोबारा होने से रोकता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। उस टैबलेट का उपयोग किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में, नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में, दांत खाज खुजली की समस्या दूर करने में, एथलीट फुट की समस्या दूर करने में, एथलीट फुट मतलब पैरों की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन की समस्या होना, इसे जांग पर फंगल इन्फेक्शन या खुजली आने की समस्या दूर करने में, सिर और दाढ़ी की त्वचा में दाद होने की समस्या दूर करने में, फफोले स्किन इन्फेक्शन इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में। फंगल इन्फेक्शन के लक्षण, स्किन लाल होना, स्किन लाल होकर खुजली होना, स्किन में दरारें होना, स्किन का कुछ हिस्सा सफ़ेद और नरम होना, फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर पस के साथ दाने होना, इन्फेक्शन वाली स्किन से सफ़ेद पाउडर की तरह पदार्थ निकलना, ये कुछ फंगल इन्फेक्शन के लक्षण होते। बात करते हैं उस टैबलेट की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, उस टैबलेट को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर लगातार 7 दिनों तक ले सकते। साइड इफेक्ट, उस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको उस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, सिर दर्द, दस्त, खांसी, अपचन ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन या एंटीबायोटिक टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। दोस्तों, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होने तक आप ऑयली और मसालेदार फूड खाना बंद कर दे, इससे आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम है तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।